पहले जिन्ना पर विवाद और अब औरंगजेब पर बवाल। यूपी में मानो सियासी मुगले आजम शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, जुबानी हमलों का दौर तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दो दिनों के काशी दौरे को लेकर अखिलेश ने कुछ ऐसी टिप्पणी की कि पूरी बीजेपी ही उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश की सोच को औरंगजेब जैसा बताया तो अखिलेश यादव ने लाल टोपी वाले तंज की नई व्याख्या की और बीजेपी नेताओं के खून का रंग पूछ लिया। वाली है आखिरी समय पर वही रह जाता है बनारस। उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी जिसने विध्वंस किया था। इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमले की ये नई किस्त है। बीजेपी नेताओं के बयानों की लंबी फेहरिस्त है। कोई अखिलेश को औरंगजेब की सोच का अगुआ बता रहा है तो किसी को अखिलेश में औरंगजेब की आत्मा का वास नजर आ रहा है। तो अखिलेश जिन्ना प्रेम को लेकर पहले ही बीजेपी के निशाने पर है। अब इतिहास का एक और किरदार अखिलेश पर हमले का नया हथियार बन गया है। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी, सपा के मुखिया, प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा किस प्रकार के टिप्पणी करना, गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी जिसने विध्वंस किया था। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचा दिया था ना, उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने पूरे परिवार को, चाचा ताऊ पिता को हाशिए पर पहुंचा दिया है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो ये उनकी आत्मा बोल रही है। अब उनके भाग्य में ये शुभ काम तो है नहीं, गंगा का जल तो उनके भाग्य में है नहीं, टोटी का जल है। तो पहले जानते हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बोल दिया कि बैठे बैठे बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बनारस में आज प्रधानमंत्री और एक महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। अखिलेश यादव ने यह कटाक्ष पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर किया। चुनावी माहौल में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। वाराणसी में पीएम मोदी के बयान का हवाला लिया पूरी बीजेपी ने, अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र किया। यहीं से बीजेपी नेताओं को विरोधियों पर हमले का नया किरदार मिल गया। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। साफ है कि यूपी की सियासत में जुबानी जंग बड़ी है। जिन्ना औरंगजेब से लेकर लाल टोपी तक पर लड़ाई छिड़ी है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए
अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। अखिलेश ने फिर पीएम मोदी के लाल टोपी वाले तंज पर जवाब दिया, बीजेपी नेताओं के खून के रंग पर सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? पिछले हफ्ते जब लाल टोपी वाला सियासी विवाद छाया था, तो अखिलेश ने इसे बीजेपी नेताओं के डर का नतीजा बताया था। ये जो जन समर्थन उत्तर प्रदेश में जुट रहा है, जो सभाओं में लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी सब एक साथ समर्थन दे रहे हैं, इसी की वजह से भाषा भारतीय जनता पार्टी की बदली है। और लगातार चुनाव में वो भाषा बदलते हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इससे भी खराब भाषा आपको सुनने को उत्तर प्रदेश से मिलेगी। अब औरंगजेब के बहाने अखिलेश यादव पर बीजेपी के हमले की नई कड़ी है। यूपी के चुनावी समर में प्रतीकों की ये लड़ाई बड़ी है। हर दल, हर नेता के अपने अपने दाम हैं। चुनावी जंग बड़ी है, ये यूपी का चुनाव है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ पॉल मिसाह, दिल्ली आज तक।